हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड, स्पाइडरमैन और शी-हल्क लड़ रहे हैं दो दानवों से, गनाशर और गाशर, और फिर आता है अमाडियस। लेकिन आते ही अमाडियस शी-हल्क के साथ फ्लर्ट करने लगता है। मैडी चिल्लाती है, अमाडियस मिशन पे फोकस करो। अमाडियस कहता है, मैं तो बस चुटकुले कह रहा था, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था, और वैसे भी शी-हल्क 40 साल की बुढ़िया है। शी-हल्क कहती है, तुमने कुछ कहा? अमाडियस कहता है, कुछ नहीं। तब शी-हल्क गनासर के अंडे फोड़ देती है और हल्क के साथ मिलकर दोनों दानवों की हालत खराब कर देती है, और फिर आखिर में अपना स्पाइडी भी थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लेता है। स्पाइडी अमाडियस से पूछता है, तो तुम हो नए हल्क? शी-हल्क कहती है, मैंने सुना कि तुम पागलों की तरह घूम रहे हो, ना तो एवेंजर्स से मिलते, ना शील्ड से, और ना ही किसी अथॉरिटी से। हल्क कहता है, अब तो तुम 40 साल की बुढ़िया की तरह बात भी करने लगी हो। देखो, मैं एक अच्छा हल्क हूँ, फोकस्ड रहता हूँ और प्रोटोकॉल को फॉलो करता हूँ। अब बस हमें इन मॉन्स्टर्स को छोटा करना है, और अगर इनको बात करनी आती है तो उनसे पूछ लेंगे कि तुम लोग आए कहाँ से हो। तब स्पाइडी कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के पास स्पाइडर सेंस नहीं है, लेकिन झुक जाओ। तब लेडी हेलबेंडर अपने डायनासोर को साथ लेकर आती है और कहती है, झुक कर क्या करोगे, अपने घुटने टिका लो शेकनाक 9 की मॉन्स्टर क्वीन हेलबेंडर के सामने। हेलबेंडर अपने हथौड़े से हल्क पर अटैक करती है, जिससे हल्क दूर जाकर गिरता है। हल्क कहता है, मैं ठीक हूँ। तब हेलबेंडर हल्क के सिर को अपने जूते से ज़मीन में गाड़ देती है। मैडी कहती है, तुम ठीक कैसे हो? ये एलियन क्वीन तो तुम्हारी चटनी बना रही है। हल्क कहता है, ये एलियन क्वीन कितनी सुंदर है, मैं तो इससे बात कर रहा था। अब हेलबेंडर हल्क पे अटैक करने लगती है, लेकिन हल्क बस उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है। मैडी कहती है, हल्क तुम्हें वापस लड़ना चाहिए। हेलबेंडर कहती है, हाँ तुम काफ़ी बड़े हो, ताकतवर हो, लेकिन मेरे अटैक से बच क्यों रहे हो? हल्क कहता है, वेल हल्क सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो किसी को भी स्मैश कर सकता है, लेकिन मैं नया हल्क हूँ और तुम एक लेडी हो, मैं कभी एक लेडी पे हाथ नहीं उठाता। तब हेलबेंडर का डायनासोर हल्क की मुंडी को अपने मुंह में दबाकर उसकी हालत ख़राब कर देता है। मैडी कहती है, अब ये मत कहना कि ये डायनासोर भी एक फीमेल है और तुम इस पे भी हाथ नहीं उठाओगे। तुम हल्क बनना चाहते थे और उसके साइज जितने बड़े मिशन भी ले रहे हो, लेकिन तुम हल्क की तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, लेकिन इस टाइम तुम एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। तब मैडी अपनी वैन उड़ाती हुई हल्क के पास आती है और हल्क के ऊपर एक फोम छिड़कती है, जो कि सूख कर टाइटेनियम की तरह हार्ड बन जाता है। हल्क कहता है, अबे ये क्या कर दिया? मैडी कहती है, चलो कम से कम कोई तो है जो ये याद रखे हुए है कि हमारा मिशन मॉन्स्टर से लड़ना है, ना कि उनके साथ फ्लर्ट करना। तब हेलबेंडर मैडी की वैन की छत को फाड़ देती है और हंसने लगती है। स्पाइडी मैडी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन शी-हल्क उसे रोक लेती है, ये कहते हुए कि हल्क की तरफ देखो, मैं उसके इस वाले मूड को पहले से ही जानती हूँ। वहीं हल्क अपनी बहन मैडी को खतरे में देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है, डायनासोर की पकड़ से छूटता है, वैन के ऊपर हेलबेंडर का हाथ पकड़ता है और उसे जितनी तेजी से हो सके ज़मीन में फेंक देता है, और फिर गुस्से में हेलबेंडर की चटनी बनाने नीचे जाने लगता है। मैडी चिल्लाती है, अमाडियस रुक जाओ। शी-हल्क कहती है, बच्चे अपनी बहन की बात सुनो, तुम अपने कंट्रोल में नहीं हो। अब चलते हैं वहीं 4 महीने पहले, जहाँ डॉक्टर ग्रीन समुद्र में दर्द के कारण चिल्लाता हुआ लेट गया था और अब भी चिल्ला रहा है। डॉक्टर ग्रीन को एक कंटेनमेंट बॉक्स में रखा गया है। डॉक्टर रापाचिनिन डॉक्टर ग्रीन से कह रही है, ब्रूस क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तुमने एक न्यूक्लियर फैसिलिटी को मेल्ट होने से बचाया था। त'चाला सोचता है कि तुमने 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई, लेकिन अब वो सारी एनर्जी तुमने खुद एब्जॉर्ब कर ली है और मुझे लगता है कि अब तुम एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फटने वाले हो। ब्लैक पैंथर कहता है, डॉक्टर रापाचिनिन वो खुद इतना चिल्ला रहा है कि तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पा रहा, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, हमें अगला स्टेप ले लेना चाहिए। डॉक्टर अपाचिनी कहती है, असल में हल्क अपने आप को बहुत बहुत कंट्रोल कर रहा है। ये बात सुनकर बीच पे लोगों को बचा रहा आयरन मैन कहता है, डॉक्टर अपाचिनी ये तुम क्या बात कर रही हो, ओशन का टेम्परेचर तो फिर भी बढ़ रहा है। डॉक्टर अपाचिनी बताती है, मिस्टर स्टार्क अगर हल्क अपने अंदर की जीत से पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा होता तो अब तक पूरा केनिया भी जल चुका होता। अब आयरन मैन भी अंदर समुद्र में डॉक्टर रापाचिनी और ब्लैक पैंथर के पास जाकर पूछता है कि सिचुएशन कैसी है। ब्लैक पैंथर कहता है कि हम डॉक्टर ग्रीन को 5वें कंटेनमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं, जबकि हर कंटेनमेंट बॉक्स 1 घंटे में ही फेल हो रहा है, उसकी बॉडी की कंडीशन हर टाइम चेंज हो रही है। आयरन मैन पूछता है, डॉक्टर रापाचिनी आप बायोलॉजी एक्सपर्ट हो, आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? रापाचिनी कहती है, हम पिछले 10 सालों के 17 अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करके
हल्क की गामा पावर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अभी उसने जो एनर्जी अब्जॉर्ब की है वो एक काइबर फ्यूजन रिएक्टर की है। वो गामा एनर्जी के साथ मिलकर बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल बिहेव कर रही है। हमें पता लगाना होगा कि हल्क अगले घंटे, अगले दिन और अगले हफ्ते कौन सी सिचुएशन में होने वाला है। आयरन मैन कहता है, तब तो ठीक है, हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े दिमाग है, हम ये कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक पैंथर कहता है, इतना टाइम नहीं है स्टार्क, 5 करोड़ लोग खतरे में हैं और तुम बस इस एक आदमी को बचाना चाहते हो, हमें अगले स्टेप की प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। टोनी कहता है, डैम इट ब्रूस, तुम्हें मुझे सुनना ही पड़ेगा, प्लीज़ ये सब इस तरह से मत खत्म होने दो। अब प्रेजेंट में चलते हैं, जहां अमाडियस गुस्से में हेलबेंडर के पास उसे मारने आता है। तब शी हल्क अमाडियस को रोकने के लिए उसके और हेलबेंडर के रास्ते में खड़ी हो जाती है, जिसपे हेलबेंडर अपने हैमर से शी हल्क को दूर फेंक कर कहती है, कम ऑन हल्क, आ जाओ। अब स्पाइडरमैन हल्क के सिर पे किक मारकर उसे रोकने की कोशिश करता है, जिसपे हल्क स्पाइडरमैन के मुंडे पकड़कर उसे दबाने लगता है। स्पाइडरमैन कहता है, अरे देखो तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। तब मैडी अमाडियस के पास आकर उसे शांत कराती है। अमाडियस शांत होकर कहता है, माफ़ करना लेकिन मुझे भूख लगी है। स्पाइडरमैन, क्या तुम्हें भी भूख लगी है? स्पाइडरमैन कहता है, अच्छा हुआ मैडी आ गई, नहीं तो आज मेरे सिर का कचूमर बन जाता। शी हल्क हेलबेंडर को अमाडियस से दूर रहने के लिए कहती है। हेलबेंडर कहती है, शांत हो जाओ लेडी, मैं यहाँ लड़ने नहीं आई, मैं तो बस उस लड़की के मॉन्स्टर को देखकर बहुत खुश हो गई थी। और मैडी, तुम उसकी मास्टर होगी। मैडी कहती है, मैं उसकी बहन हूँ। हेलबेंडर कहती है, तब तो मैं युद्ध विराम लगाती हूँ। जिस पे शी हल्क कहती है, एक मिनट रुको, तुम कब से युद्ध विराम लगाने लगी? तुमने इन दानवों को हम पे अटैक करने के लिए भेजा, हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। हेलबेंडर कहती है, मूर्ख, हम एक मॉन्स्टर का पीछा कर रहे थे और वो एक ब्यूटीफुल क्रिएचर था, हम उसका पीछा करते करते पहाड़ तक आ ही थे कि तुमने हम पे अटैक कर दिया। शी हल्क कहती है, हम भी एक मॉन्स्टर का पीछा कर रहे थे, तुम्हारा। तब मैडी देखने लगती है कि कहीं लेडी हेलबेंडर सच तो नहीं कह रही। वहीं स्पाइडरमैन खाना उठाते हुए अमाडियस से कहता है, तुम्हारी फैमिली में तो सारे ही साइंटिस्ट बने पड़े हैं। अमाडियस कहता है, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? क्योंकि तुम्हारी मुंडी का सच में कचूमर बनते बनते बचा है। लेकिन मैं पिछले वाले हल्क की तरह नहीं हूँ। स्पाइडरमैन कहता है, मैं समझ सकता हूँ, तुम तो बस अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब मैडी चेक करके बताती है कि यहाँ पे एक और क्रिएचर भी था इससे पहले कि हमारी लड़ाई शुरू हुई। तब हेलबेंडर को किसी की गंध मिलती है, वो मैडी की वैन के अंदर घुसकर पकड़े हुए कछुए को बाहर लाती है और कहती है, वाओ एक दो सिर वाला क्रैक अलकर्सियन, लेकिन तुमने इसे छोटा क्यों कर रखा है, इसको फिर से इसके फुल साइज में लेकर आओ। मैडी कहती है, क्या नहीं, ये बहुत खतरनाक है। तब हेलबेंडर बाहर निकलकर अपनी शिप डेस्ट्रो मुंडो को कमांड देकर स्पेस से नीचे बुलाती है और उसका गेट खोलते हुए हंसने लगती है। अब मैडी कहती है, कम ऑन अमाडियस, हल्क बन जाओ, वो भाग रही है। अमाडियस कहता है, उसने मुझे लगभग हरा ही दिया था और मुझे भूख भी लगी है। लेकिन तब हेलबेंडर उन लोगों को अपने द्वारा पकड़े हुए मॉन्स्टर्स दिखाती है और कहती है, ये मेरा कलेक्शन है और जल्दी मैं इनको लेकर ग्रेट गार्डन्स ऑफ सेक्नर 9 पे ले जाऊंगी, जहां उनका आदर किया जाएगा। अब तुम अपने पकड़े हुए मॉन्स्टर को उसके नेचुरल साइज में ला दो और हम उसे लेकर चले जाएंगे। मैडी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम तो मॉन्स्टर्स की एक आर्मी बना रही हो। हेलबेंडर कहती है, जिद्दी बच्ची, मैं इन सुंदर मॉन्स्टर को बचा रही हूँ, मेरे प्लैनेट के लोग मॉन्स्टर्स को पसंद करते हैं। सेक्नर 9 पे एक सेंचुरी है जहाँ ये मॉन्स्टर्स रहते हैं। अमाडियस कहते हैं, ये तो अच्छा है, हम भी कुछ ऐसा ही करने की सोच रहे थे और वो हेलबेंडर के साथ खुश रह सकते हैं। मैडी कहती है, अमाडियस तुम डरे हुए हो, तुम्ही ने ये काम अपने हाथों में लिया था और अब वर्ल्ड को एक हल्क की जरूरत है। हेलबेंडर कहती है, ठीक है तुम यहीं बैठकर बातें करते रहो जबकि मैं अपना प्राइज लेने जा रही हूँ। तभी वहाँ पे एक जोरदार आवाज़ आती है और वो लोग देखते हैं कि पास के ही समुंदर में फिंग फैंग फूम बाहर आ चुका है। हेलबेंडर कहती है, तो तुम में से कौन है जो मुझे ज्वाइन करना चाहेगा? अब हेलबेंडर अपना शिप लेकर फिंग फैंग फूम को पकड़ने जाने लगती है। तब हल्क भी उस शिप पर जाते हुए मैडी से कहता है, मैंने ही ये काम अपने हाथों में लिया था और मैं ही इसे ख़त्म करूँगा।